और प्रदीप जी यहाँ पर अंजना, प्रदीप जी से मैं एक चीज, मेरे मन में बहुत देर से ये सवाल था, प्रदीप जी जिस दिन आपका एग्जिट पोल आया आप ट्रेंड कर रहे थे जी, आपका एक वीडियो लीक हो गया था जी, जिसमें आप बड़े घबराए हुए दिख रहे थे जी, और पूरा देश ये जानना चाहता है, उस दिन आप कह रहे थे कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बॉस मैं भी बड़ा परेशान हूँ, जो भी आप कह रहे थे, आज आप उस वीडियो पे आपको आज स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्या आप वाकई में बहुत कंफ्यूज थे, क्या आप भी डरे हुए थे, क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपने एक ऐसा फिगर दे दिया है जिसे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा और बड़ा रिस्की है? देखिए, वो जो वीडियो था और जो हमारा न्यूज़ रूम के अंदर डिस्कशन चल रहा था राहुल कमल और राजदीप के साथ, वो ज़्यादा उस संदर्भ में था जो हमारे मध्य प्रदेश के आंकड़े जो हम 140 से 162 दिखा रहे थे, तो वो किसी को हजम नहीं आ रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि पिछले एक साल से मध्य प्रदेश के लोकल न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन ये खबर छपती थी कि शिवराज सिंह चौहान को अब बदला, अब बदला, अब बदला। कहने का मतलब, सब ने ये माहौल बना दिया था कि यहाँ तो कांग्रेस की सरकार आनी ही आनी है, बीजेपी के राज्य सरकार का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक चर्चा थी। और जब हमारे आंकड़े ये आए, और आपने ये भी देखा कि हमारे को छोड़कर करीब करीब सारे चैनलों और सारे एजेंसीज ने कांग्रेस की ही जीत दिखाई मध्य प्रदेश के अंदर, तो मुझसे भी ये सवाल पूछा गया न्यूज़ रूम में, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इस तरह के बोल्ड नंबर, बोल्ड नंबर की बात करें तो 2/3 से भी ज़्यादा, 149 सीट्स मध्य प्रदेश में 2/3 होता है, हम 162 तक दिखा रहे थे, उसका मतलब 70% से ज़्यादा सीटों का अनुमान हम जो लगा रहे थे उसके पीछे कहा था। और मैंने कहा हम तो जो जमीन पे रिपोर्ट आती है उसको रिपोर्ट कर देते हैं। प्रदीप जी, जल्दी से एक बार छत्तीसगढ़ पर आते हैं। मैंने जब देखा था आपके नतीजे, तो सब एग्जिट पोल के आंकड़े, तो सबसे पहले मैंने बस्तर को लेकर कहा था कि 12 सीटें हैं, पिछली बार 11 कांग्रेस को गई थी, आप 6 दे रहे थे बीजेपी को, 5 कांग्रेस को। क्या ट्राइबल एरियाज में पीएम मोदी की जो बातें हैं वो अपनी जगह बना रही हैं? ये बहुत बड़ा संकेत है 24 के पहले, क्योंकि जो गढ़ कांग्रेस का है ट्राइबल एरियाज, वो अगर छत्तीसगढ़ से पीएम खींच ले रहे हैं। देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही कहा आपने, छत्तीसगढ़ में 34% जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी छत्तीसगढ़ में परसेंटेज के लिहाज से, दूसरा मध्य प्रदेश में भी बाहुल्य है 21%, इतने बड़े राज्य में जहाँ 230 सीट आती हूँ बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ में हुआ ये कि इस बार आदिवासी बड़ी संख्या में जो है बीजेपी की तरफ विस्थापित हुए, जो कि पहले हिस्टोरिकली ज़्यादा करके कांग्रेस को वोट देते थे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं देते थे, लेकिन इस बार जो आदिवासियों ने एक तरफा वोट छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को दिया, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है। जो हमारे दर्शक इन राज्यों में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, और जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों के मेट्रो के जो पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले हमारे दर्शक हैं, जो अखबार पढ़ के अपनी राय बनाते हैं, जो कभी जीवन में एक आदिवासी को मिले नहीं, कभी किसी ओबीसी को मिले नहीं, उनके लिए इन नतीजों में क्या सबक छिपा हुआ है और क्या ये 2024 का एक ट्रेलर हमें देखने को मिल रहा है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा सबके लिए, सिर्फ पत्रकार हो या हम जो एनालिसिस करते हैं, हम सभी लोगों के लिए, कि जब आप भारत या किसी प्रदेश की तस्वीर बताने की या समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आप जान लीजिए भारत के अंदर भी 70% जनता जो है रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में रहती है। देखिए ना, बस्तर दिखा रहे हैं प्रदीप जी, एक बार दिखाइए इसको, 8-3-1, ये बहुत हिस्टोरिक है कि आप देखिए 12 सीटें जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको, ये सीटें पिछली बार 10 आई थी, 11 आई थी कांग्रेस की, 11 सीट्स कांग्रेस, और इस बार आप देखिए 8-3-1 हो गया है, 8 बीजेपी। ये बहुत बड़ा बदलाव है अगर छत्तीसगढ़ में यही रुझान जो है वो नतीजों में, ये बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव। और आदिवासी एक ऐसा वर्ग और समाज है भारत के अंदर, हम लोग का वीडियो नहीं बना तो वो बात की चर्चा नहीं हुई बस्तर पर। मैं सबसे ज्यादा अचंभित हुई थी कि बस्तर में क्या दे रहे हैं आप, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी जो है, पहली बात यह है कि आदिवासी ही एक ऐसा वर्ग है जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कभी भी कोई अलाइनमेंट नहीं रहा, वो केवल और केवल परफॉर्मेंस के बेस पे अपना मत देते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। आप ये भी कहेंगे कि ये नतीजे जो हैं ये इंडिया वर्सेस भारत के बीच में जो दूरी है भारत और इंडिया की जी, ये उसको भी दर्शाते हैं? बिल्कुल दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं, आपने सही कहा सुधीर, ये असली तस्वीर बयां कर रहे हैं यहाँ पर
कि क्या चल रहा है। जनरली ऐसे कहा जाता था कि गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग जो है वो बीजेपी के पास नहीं होता है। अब